आप बताइए, मेरी बहनों के यहाँ अगर छापा पड़ा तो बहन भी रहती है, उनकी सास भी रहती है, उनकी ननद भी रहती है, उनके हाथ का कंगन, कान का, पहनने का श्रृंगार का, नाक का श्रृंगार का, पैर का श्रृंगार का इकट्ठा करके फोटो, यूज्ड ज्वेलरी का फोटो खींच करके ईडी जो है लगा रही है, बताइए कितना शोभनीय है। अब आपके घर में भी माँ बहन भाभी सब रहता होगा क्या? वो कान में नहीं पहनती है? अब चार पांच जगह मारिएगा और वहाँ 8-10 की संख्या में, 15 की संख्या में महिलाएं होंगी, उनका उतरवा करके फोटो खिंचवा लीजिएगा और कहिएगा कि इतना किलो सोना मिला, इतना। उस दिन भी छापे पड़े थे, क्रोनोलॉजी समझिए, जो अमित शाह जी क्रोनोलॉजी समझाते हैं, वो क्रोनोलॉजी जो है वो समझने की जरूरत है। जिस दिन सरकार बनी, ट्रस्ट वोट था, उस दिन भी छापे पड़ रहे थे। उन छापों का क्या हुआ, कितने मिले? 100 करोड़, 1000 करोड़, 1,00,000 करोड़, या 2017 चलिए, 8,000 करोड़ बेनामी संपत्तियां, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, सारी जांच संस्थाने लग गए। आज हो गया 23, लगभग 6 साल, कहाँ गया वो संपत्ति, कहाँ गए वो हजार रकम, बोलो, 1,000 करोड़ों? कौन लोग एड़ी अलगा अलगा के भाषण देता था फिर? मतलब जो भी इन लोगों के डायरेक्टर हैं, चाहे अमित शाह जी हो या कोई स्क्रिप्ट राइटर होगा इनका या डायलॉग राइटर होगा, वो बदल देना चाहिए। अब एक ही बात बार बार ठीक नहीं लगता। इस बार फिर 600 करोड़ तेजस्वी के यहाँ से खजाना, ठेंगा मिला तेजस्वी के यहाँ से, ठेंगा। पंचनामा दिखाओ, नहीं तो हम दिखा दें। बदनाम करने की राजनीति हद होती है, यानी बीजेपी ने हार स्वीकार कर लिया, तेजस्वी से लड़ने की औकात और भाजपाइयों आरएसएस को एकदम नहीं है। हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया, भाग खड़े हो गए, इसलिए छापे पे छापा। कौन छापा मार रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। मेरी बहनों के यहाँ कई ऐसी बहन जो राजनीति में हैं भी नहीं, उनके यहाँ भी छापा। हम उनको बता देना चाहते हैं कि ये लोग, जो लोग हैं, पूरी तरीके से फर्जी, एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले लोग हैं, और हम लोग जो हैं रियल पब्लिक साइंस वाले लोग हैं, असल समाजवादी लोग हैं। इनके डराने से, झुकाने से हम लोग झुकने वाले एकदम नहीं हैं। इनके षड्यंत्र, नकारात्मक राजनीति, फर्जी पॉलिटिकल केस, अफवाह फैलाने की ताकत से लड़ने के लिए इंसान को जिगर चाहिए, और वो जिगर मेरे पास है। ज़मीन, राजनीतिक ज़मीन मेरे पास है, और ज़मीर मेरे पास है, और विचार मेरे पास है। और क्या दिखा रहे आप बताइए, मेरी बहनों के यहाँ अगर छापा पड़ा तो बहन भी रहती है, उनकी सास भी रहती है, उनकी ननद भी रहती है, उनके हाथ का कंगन, कान का, पहनने का श्रृंगार का, नाक का श्रृंगार का, पैर का श्रृंगार का इकट्ठा करके फोटो, यूज्ड ज्वेलरी का फोटो खींच करके ईडी जो है लगा रही है, बताइए कितना शोभनीय है। अब आपके घर में भी माँ बहन भाभी सब रहता होगा क्या? वो कान में नहीं पहनती है? अब चार पांच जगह मारिएगा और वहाँ 8-10 की संख्या में, 15 की संख्या में महिलाएं होंगी, उनका उतरवा करके फोटो खिंचवा लीजिएगा और कहिएगा कि इतना किलो सोना मिला, इतना किलो सोना मिला। अरे भाई, मेरी बहन अच्छे परिवार में ब्याह दी गई, और ज़्यादातर बहनों जिनके यहाँ छापा पड़ा
ज़्यादातर बहनें वो थी जो 2012 के बाद भी आई, यानी रेलवे टर्म से किसी को लेना देना नहीं। लालू जी 2005-4 से 9 तक ज़्यादातर बहनों की मेरी शादी जो है चौथे नंबर की, पांचवी नंबर की, छठी नंबर की, सातवी नंबर की बहनों की शादी 2012 के बाद हुई। अच्छे खासे परिवार में है, उनका व्यापार है, उनके यहाँ जा कर के अगर घर खर्च का पैसा मिलता है, आप समझिए 24-25 जगह छापा मारा, हर जगह 1-2 लाख भी मिलेगा, तो 50 लाख तो ऐसे ही हो गया। उससे ज़्यादा तो गिरिराज सिंह जी के यहाँ जो चोरी हुआ था उससे ज़्यादा पैसा तो वहाँ था, करोड़ों की रकम। तो इस तरह का भयावक